नमस्कार विद्यार्थी, इस वीडियो में हम रेनबो पार्ट टू के गद्य यानी प्रोज सेक्शन का सातवां लेसन पढ़ेंगे। इसकी लेखिका हैं जर्मेन ग्रियर। आज के लेसन में हम बात करेंगे बहुत समय से चली आ रही एक लड़ाई की। मारा पीटी वाला झगड़ा नहीं, लेकिन इसमें तू तू मैं मैं तक तो बात पहुंचने के आसार हैं। ऐसी लड़ाई आपकी भी हुई होगी अपनी माँ से या पिता से, उनकी भी हुई होगी अपने नाना दादा नानी दादी से। क्या है ये झगड़ा जो हर पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों से करती रही है? ये लड़ाई है परंपरा और आधुनिकता की, यानी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की। आपने अगर कभी कहा ना हो तो सोचा तो ज़रूर होगा कि मंगल को अंडा मछली मत खाओ, शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहनो, दिशा शूल हो तो घर से मत निकलो। इस तरह की सोच का आधार क्या है? क्या आज की तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में इस तरह से सोचने का कोई मतलब है? अरे भाई, अगर सोम और बुध को अंडा खा सकते हैं तो मंगल को क्यों नहीं? और ये दिशाशूल क्या बम्बई कलकत्ते की बड़ी कंपनी में काम करने वाला रोज़ पंचांग देखकर काम पे निकलेगा? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास की बातें हैं, पुरानी सोच से जकड़ी हुई तर्कविहीन विचार हैं? आज के लेसन के जरिए हम इस लड़ाई में शामिल होंगे। तो चलिए, अस्त्र शस्त्र उठा लीजिए और चौकन्ने हो जाइए, यानी अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए और पूरे ध्यान से लेसन सुनिए। बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। कॉपी पेन लाने के लिए वीडियो पॉज करना हो तो जरूर कर दें। लेखिका जर्मेन ग्रियर के बारे में हम लेसन के पिछले वीडियो में जानकारी ले चुके हैं। याद करें कि जर्मेन ग्रियर स्त्रीवादी विचारधारा की दूसरी लहर की प्रमुख शख्सियत थीं। उनकी रचनाओं में तीन प्रमुख हैं, 1970 में प्रकाशित द फीमेल यूनक, 1984 में प्रकाशित सेक्स एंड डेस्टिनी पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, और 1991 में छपी द चेंज। हर पुस्तक में ग्रियर एक स्त्री संबंधी शारीरिक विषय को उभारती हैं। द फीमेल यूनक में उन्होंने औरत पर आकर्षक दिखने के दबाव की मनोवैज्ञानिक हानि की चर्चा की। दूसरी पुस्तक सेक्स एंड डेस्टिनी में गर्भावस्था से संबंधित सामाजिक प्रथाओं को केंद्रबिंदु बनाया, और द चेंज में मेनोपॉज यानी मासिक धर्म के बंद हो जाने से महिला की मनोस्थिति पर होने वाले असर पर व्याख्या की। आपके लेसन में ग्रियर की दूसरी पुस्तक सेक्स एंड डेस्टिनी पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी का एक अंश दिया गया है, जिसका शीर्षक है अ चाइल्ड इज बोर्न, यानी शिशु का जन्म। ग्रियर इस लेख में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की बात रखने के लिए शिशु के जन्म का परिपेक्ष लेती हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग समाजों में गर्भावस्था को लेकर, शिशु के जन्म को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं होंगी। भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन जैसे देशों में जहां प्राचीन सभ्यताएं थीं, वहां परंपराओं की पकड़ ज़्यादा है। आधुनिक देश जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आधुनिक टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनकी सोच पर परंपराओं की जकड़ कम होती है या ना के बराबर होती। आज का लेख हमारे सामने ये प्रश्न रखता है, क्या परंपराओं को पिछड़ेपन की निशानी मानना सही है? और इसी प्रश्न का दूसरा पहलू है कि क्या जो कुछ भी आधुनिक है वही ज़्यादा फायदेमंद है? ये फर्क पीढ़ी दर पीढ़ी उभर के आता है, और एक ही उम्र लेकिन अलग अलग सभ्यताओं में रहने वालों के बीच में भी पाया जाता है। चलिए समझते हैं कि लेखिका इस बात को हमारे समक्ष कैसे रखती हैं। लेख के पहले वाक्य से हमें उसके विषय के बारे में पता चलता है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, यानी लेख का विषय है शिशु के जन्म से संबंधित व्यवस्था। आपका पाठ दो भागों में विभाजित है, आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहले भाग को समझने के लिए याद करिए कि पिछले वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया था कि ग्रियर अमेरिका और यूरोप की आधुनिक संस्कृति पर निशाना साध रही हैं।
वे आधुनिक सोच में छिपे हुए उन पहलुओं को उजागर करना चाहती हैं जहां महिला उत्पीड़न छुपा हुआ है। शिशु के जन्म का समय ग्रियर के लिए ऐसा एक पहलू है। लेख के पहले भाग में वे कह रही हैं कि पाश्चात्य देशों में सोचा जाता है कि पारंपरिक समाजों की सभी प्रथाएं उनके पिछड़ेपन का संकेतक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पारंपरिक समाजों में यानी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में गर्भवती महिला पर तरह तरह के प्रतिबंध यानी टैबूज और प्रोहिबिशंस लगाए जाते हैं, जो आधुनिक सोच वाले व्यक्तियों को अंधविश्वासी लग सकते हैं, लेकिन इससे माँ बनने वाली स्त्री की उत्सुकता, व्यग्रता यानी एंग्जाइटी कम होती है। पहले अनुच्छेद का सार पेज 58 के इस हिस्से में मिलता है। लेसन का जो हिस्सा पेज 58-58 पे दिया हुआ है वो पढ़ने से पहले चाहूँगी कि कुछ मुख्य शब्दों का मतलब आप अच्छी तरह समझ लें। कई शब्दों के मतलब आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं पाठ के अंत में, लेकिन इस लिस्ट में कुछ अन्य शब्दों का मतलब भी मैं समझा रही हूँ। सुझाव दूंगी कि ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में उतार लें। रीएनफोर्समेंट्स, जो सहायक हो, बल दे। रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस, रीतियों का अनुपालन। हड़बड़ाइए मत, कहीं भी आप वीडियो को पॉज करके ये शब्दार्थ कॉपी कर सकते हैं। पूरी लिस्ट ख़त्म होने के बाद 4-5 मिनट के लिए भी पॉज करके आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। किन्सफोक, परिवार और अन्य रिश्तेदार। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षित होने की भावना। कन्विक्शन, विश्वास। कंडक्टिंग, काबू में रखना। रेमनेंट्स, बचा हुआ। प्रोफाइलैक्सिस, रोग निरोधक। ओल्ड वाइव्स टेल, अंधविश्वास, ये एक अंग्रेजी मुहावरा है। सुपर रैशनल माने वेरी रैशनल, हर निर्णय में तर्क का इस्तेमाल करना, सिर्फ भावनाओं के आधार पर निर्णय ना लेना। कन्फ्यूज्ड, परेशान। मॉर्टैलिटी, मृत्यु दर। एंग्जाइटी, चिंता, व्यग्रता। सिग्निफिकेंस, महत्व। वास्ट मजॉरिटी, अधिकांश हिस्सा, ज़्यादातर लोग। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा हिस्सा वास्ट मजॉरिटी का कट गया है, लेकिन इसे हम लेसन पढ़ते समय दोबारा याद करेंगे, इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर याद दिला रही हूँ, वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए और इन शब्दों को और इनके अर्थ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब लेसन का वो हिस्सा पढ़ते हैं जो पेज 58 पे है। शी विल हैव अदर रीएनफोर्समेंट्स फॉर मैनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स हु शुड सपोर्ट हर, प्राइमरली हर हस्बैंड, देन हर किन्सफोक एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी। यहाँ ग्रियर कह रही हैं कि गर्भावस्था के दौरान, शी का मतलब हुआ गर्भवती स्त्री, तो गर्भावस्था के दौरान उसे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कई रिवाजों में हिस्सा लेना पड़ता है। इससे वह सुरक्षित महसूस करती है, उसे लगता है कि वह अपनी गर्भावस्था को नियंत्रित कर रही है, न कि गर्भावस्था उसको। कई लोग उसकी मदद करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, इसमें उसके पति शामिल हैं, उसके परिवार वाले शामिल हैं और समुदाय के अन्य लोग जो आसपास रहते हैं वो भी सहायक सिद्ध होते हैं। फिर कहती हैं, सम ऑफ दीज बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, अदर्स मैजिकल, बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हर कन्विक्शन दैट शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, नॉट दैट इट इज कंडक्टिंग हर। ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये रीति रिवाज जिनमें वे अपने परिवार वालों के साथ, समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ हिस्सा लेती है, उससे उसे सुरक्षा का एहसास होता है, विश्वास होता है कि सब कुछ काबू में है। हालांकि इनमें से कुछ रीति रिवाज सेंसिबल एंड यूजफुल, मतलब फ़ायदेमंद होंगे, समझ में आएंगे, और कई मैजिकल होंगे, जादुई, यानी ऐसे जिनका मतलब समझ में ना आए, लेकिन फिर भी ये सब प्रोफाइलैक्सिस के रूप में उसकी मदद करेंगे।
प्रोफाइलैक्सिस का मतलब अगले वाक्य में और साफ हो जाएगा. द रेमनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफाइलैक्सिस कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइव्स टेल्स इवन इन आर ओन सुपर रैशनल एंड कन्फ्यूज्ड लाइफ स्टाइल्स. यहाँ ग्रियर कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि आधुनिक समाजों में अंधविश्वास नहीं होते, ओल्ड वाइव्स टेल्स नहीं होते, लेकिन वहाँ भी ये प्रोफाइलैक्सिस का काम करते हैं. प्रोफाइलैक्सिस का मतलब आपकी किताब में दिया हुआ है, एन एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ डिजीज़, ऐसा नुस्खा जिससे बीमारी से बचा जा सके, यानी रोग निरोधी. ध्यान दीजिए, यहाँ प्रिवेंट्स कहा गया है, न कि क्योर्स अ डिजीज़. प्रोफाइलैक्टिक वो नुस्खा है जिसका उपयोग करने से व्यक्ति बीमार ही ना पड़े. प्रोफाइलैक्टिक उपयोग करने से किसी उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो रीति रिवाज कैसे प्रोफाइलैक्टिक हुए? क्योंकि उनमें हिस्सा लेने से आत्मबल बढ़ता है. ये भावना आती है कि यहाँ बहुत लोग मेरे सहायक हैं, इस वजह से कुछ भी बुरा नहीं होगा. आधुनिक समाजों में भी इस तरह के रेमनेंट्स यानी इस तरह के अंधविश्वासों के कुछ हिस्सा बचा हुआ है. वहाँ भी लोग मानते हैं कि जन्म से पहले शिशु के लिए कुछ भी खरीदारी करना, जैसे कि नए कपड़े, पालना, नैपी, ये सब अपशकुन होता है. ग्रियर इसी तरह के व्यवहार को प्रोफाइलैक्टिक कहती हैं. ये शब्द सामान्यतः चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग में लाया जाता है, जहाँ इसका तात्पर्य होता है ऐसी रोग निरोधी सक्रिया या ऐसी दवा लेना या उपाय अपनाना जिससे रोग लगे ही ना. तो ये बंदिशें, रीति रिवाज या अंधविश्वास, जिनका कोई मतलब हम नहीं निकाल सकते हैं, जिनको हम तर्कशील तरह से अगर समझने की कोशिश करें तो ना समझ पाएंगे, लेकिन इनसे आत्मबल फिर भी बढ़ता है. ये विश्वास दिलाते हैं कि कुछ बुरा नहीं होगा. और ये बात परंपरागत समाज में भी है और आधुनिक समाज में भी है. अलग अलग की धारणाएं, अलग अलग तरह की धारणाएं दोनों समाजों में मानी जाती हैं. क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टैलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स, बट इन आर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजॉरिटी हु लिव. यहाँ ग्रियर कह रही हैं, ये बात तो माननी होगी कि परंपरागत रीतियाँ अपनाने वाले समाजों में शिशु और माँ की मृत्यु दर अधिक होती है, यानी उनकी जान को ज़्यादा खतरा होता है. लेकिन हमारी यानी लेखिका की आधुनिक यूरोपीय सभ्यता में जान बचाने की उत्सुकता में शिशु के जन्म के भावनात्मक पहलू को नष्ट कर दिया गया है. इसलिए वो तमाम महिलाएं जिनकी जान को कोई खतरा भी नहीं है, वे भी इस अनुभव के महत्व से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने समुदाय और पूरे परिवार का जीवन के इस अहम समय पर सहयोग नहीं मिलता. तो ये एक तरह की लड़ाई हो गई ना, एक विवाद, कि परंपराएं कितनी मूल्यवान हैं और आधुनिक तकनीकें कितना ज़रूरी हैं. ये हर समाज को और हर समाज में हर नई पीढ़ी को निर्धारित करना होता है. अभी जो हमने हिस्सा पढ़ा उससे हमें चार प्रश्नों के, अभ्यास में दिए हुए चार प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं. ये प्रश्न आपको पेज 60 पर मिल जाएंगे. पहला प्रश्न है, हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ यूजफुल, यानी परंपरागत सभ्यताओं में जो शिशु के जन्म से संबंधित तरीके हैं वो क्यों फ़ायदेमंद होते हैं. यह हम पहले समझ चुके हैं. ये इसलिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इससे गर्भवती महिला को सुरक्षित होने का अनुभव होता है और उसे लगता है कि चीज़ें उसकी काबू में हैं. तो उत्तर हुआ, द रिचुअल प्रैक्टिसेस कनेक्टेड टू चाइल्ड बर्थ इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी आर यूजफुल बिकॉज दे गिव द प्रेग्नेंट वुमन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, शी फील्स दैट शी इज़ इन कंट्रोल ऑफ हर प्रेगनेंसी. फिर दोहरा रही हूँ, आप जब भी चाहें वीडियो पॉज करके
ये प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अ प्रेग्नेंट वुमन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन, व्हाई? परंपरागत समाजों में गर्भवती महिला को अकेलेपन का एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने समुदाय से घिरी हुई है, अपने परिवार से घिरी हुई है, उसके जाने हुए भाई बहन सब उसके आसपास हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमन इज विद हर किन्सफोक एंड कम्युनिटी व्हेन शी इज क्लोज टू चाइल्ड बर्थ, देयरफॉर शी डज नॉट फील अलोन। उत्तर लिखने में यहाँ स्क्रीन पर एक त्रुटि हो गई है, जहाँ शी दो बार हो गया है, इसमें से एक शी को आप काट लें जब आप इसे अपने कॉपी में लिखें। तीसरा प्रश्न, What is the superstition associated with acquiring new clothes and instruments for a baby before the birth? वो क्या अंधविश्वास है जिसका संबंध नवजात शिशु के लिए नए कपड़े और अन्य चीज़ें खरीदने से है? ये अंधविश्वास आधुनिक समाज में भी प्रचलित है कि पालना, नैपी, ऐसे कोई भी सामान जो नवजात शिशु के प्रयोग में लाए जाने हों वो उसके जन्म से पहले नहीं खरीदने चाहिए। उत्तर हुआ, बाइंग न्यू क्लोथ्स, क्रिब एंड नैपीज फॉर द बेबी बिफोर बर्थ इज बिलीव्ड टू बी इनऑस्पिशियस। दिस सुपरस्टिशन इज प्रेवलेंट इन मेनी सोसाइटीज, इवन मॉडर्न वंस। चौथा प्रश्न, इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपीरियंस, वॉट इज द एक्सपीरियंस द राइटर रेफर्स टू? जब लेखिका कह रही हैं कि मृत्यु दर कम करने की उत्सुकता में हमने शायद इस अनुभव के महत्व को खत्म कर दिया है, तो उनका किस अनुभव से तात्पर्य है? ये हम जान चुके हैं कि ये अनुभव जिसका वो जिक्र कर रही हैं वो है शिशु का जन्म। तो उत्तर लिखेंगे, द राइटर इज रेफरिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड बर्थ। और फिर समझाएंगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर ट्रेडिशनल सोसाइटीज ट्रीट द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड बर्थ एज इम्पॉर्टेंट फॉर द होल कम्युनिटी, बट मॉडर्न सोसाइटीज कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन प्रोवाइडिंग बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द मदर एंड चाइल्ड। दे डू नॉट शेयर द एक्सपीरियंस विद देयर एक्सटेंडेड फैमिली एंड कम्युनिटी, दस they have the advantage of lower mortality rates but do not get the emotional benefits that are available in a traditional society. To aakhri prashn humne thoda vistar mein likha ki ye shishu ke janm ka anubhav kis tarah se aadhunik samaj mein alag hota hai aur paramparagat samaj mein alag hota hai. ab hum आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। एक बार फिर याद दिलाती हूँ कि इस हिस्से के मुख्य शब्द एक लिस्ट में आपके सामने आएंगे, इनका मतलब मैं बताऊंगी। वीडियो पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी में उतार लें, इससे आपको शब्दों का मतलब याद रखने में सहूलियत होगी और इनका प्रयोग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रूइज्म मतलब जाना माना सच, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र जिसमें मनुष्य के समाज का ऐतिहासिक और वर्तमान स्थिति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन यानी अर्थ लगाना, मोरेस यानी परंपरा, फेमिनिस्ट यानी स्त्रीवादी, शोविनिस्टिक का यहाँ अर्थ है कट्टरवादी होना, किसी भी विरोधी विचार को बलपूर्वक दबा देना, टेंडेंसी यहाँ अर्थ है सामान्य रूप से घटित होना, विथड्रॉ माने अलग हो जाना, हट जाना, ऑपोजिशन विरोध, फोरा शब्द फोरम शब्द का बहुवाचक शब्द है, ये एस लगकर बहुवाचक नहीं बनता है, इसे बहुवाचक में फोरा कहा जाता है, किसी भी संस्था की औपचारिक सभा को फोरम कहते हैं और कई सभाओं को फोरा कहेंगे। फ्लुएंसी मतलब आसानी से बोलना समझना, सूडानीज मतलब सूडान देश में रहने वाला, सूडान पूर्वी अफ्रीका का एक देश है,
कंसल्टेड यानी राय लेना। आइए अब लेसन से पढ़ते हैं। इन मैनी सोसाइटीज वुमेन विल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विद अ मदर इन लॉ एंड द वाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर्स। यहाँ जर्मेन ग्रियर परंपरागत समाजों की एक रीति बता रही हैं कि कई समाजों में शादी के बाद महिलाएं अपने पति के घर रहने जाती हैं। इट इज़ अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड। एंथ्रोपोलॉजी में यानी समाजों का ऐतिहासिक अध्ययन करने में ये कई जगह पाया गया है कि महिलाओं को नए परिवार का सदस्य तब तक नहीं माना जाता जब तक कि उन्होंने शिशु को जन्म ना दिया हो। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोरेज इज दैट दे आर बैकवर्ड क्रूअल एंड रॉन्ग। पाश्चात्य समझ में ऐसी परंपराओं को पिछड़ा हुआ माना जाता है, क्रूर माना जाता है और गलत माना जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट्स हु आर नॉट शोविनिस्टिक एंड वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम वुमेन हु स्टिल लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी इज द टेंडेंसी ऑफ दोज वुमेन टू विथड्रॉ इन टू साइलेंट ऑपोजिशन वेन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल फोरा कंडक्टेड इन लैंग्वेजेस विच दे कैनॉट स्पीक विद फ्लुएंसी। वाक्य बहुत लंबा है लेकिन इसका अर्थ बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ लेखिका हमें बता रही हैं कि परंपरागत समाजों की जैसे सूडान जैसे देशों से भी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में हिस्सा लेने जाती हैं, लेकिन वो अपनी बात इसलिए नहीं रख पाती हैं क्योंकि उनको भाषा की समझ नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय सभाएं अक्सर अंग्रेज़ी में होती हैं या किसी यूरोपीय भाषा में होती हैं और वहाँ उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वे अपनी बात समझा पाएँ। इसलिए पाश्चात्य देशों की स्त्रीवादी विचारधारा रखने वाली महिलाओं को दूसरा नज़रिया सुनने का समझने का मौका नहीं मिल पाता है। Women officials of the Sudanese government told me that they had given up going to international conferences because they were tired of being told about their own lives instead of being consulted. Sudan देश से आई हुई कुछ महिलाओं ने जो सरकारी अफसर थीं उन्होंने कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में जाना पसंद अब इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ उनसे कोई राय नहीं लेता, उनके समाज के बारे में उन्हें बताया जाता है, उनसे पूछा नहीं जाता। अभी जो हिस्सा हमने पढ़ा उससे कुछ प्रश्नों के उत्तर हम हल कर सकते हैं। ये प्रश्न आपकी पुस्तक के पेज 61 पे दिए हुए हैं। पांचवा प्रश्न है, What is the truism of anthropology that the writer talks about? एंथ्रोपोलॉजी के किस सच के बारे में लेखिका लिख रही हैं? ये हमने अभी अभी पढ़ा तो उत्तर हुआ, According to Germaine Greer, it is a truism of anthropology that women do not become part of their new family till they have born a child. छठा प्रश्न, What compels women to withdraw into silent opposition in international fora? क्या कारण है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में कुछ महिलाएं चुपचाप विरोध करती हैं या चुपचाप ही विरोध कर पाती हैं? लेसन से हम जानते हैं कि इसका कारण है भाषा, भाषा की कम समझ रखना। तो उत्तर हुआ, The women who do not speak English fluently are uncomfortable in conferences conducted in English, therefore they become silent. सातवां प्रश्न, Why had Sudanese women officials stopped going to international conferences? सूडान की महिला सरकारी अफसरों ने अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में हिस्सा लेना क्यों बंद कर दिया था? ये महिलाएं सरकारी अफसर थीं, जाहिर है इनको भाषा की कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में इसलिए जाना बंद कर दिया था क्योंकि इनसे कुछ भी
राय नहीं ली जाती थी। तो उत्तर हुआ, सूडानीज वेमेन फेल्ट दैट दे वर नॉट कंसल्टेड एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, दे स्टॉप्ड गोइंग टू दीज कॉन्फ्रेंसेज बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू बी साइलेंट लिसनर्स देयर। अब हम लेसन के दो हिस्से पढ़ चुके हैं और इन पे आधारित ट्रू फॉल्स प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें कि आपको अपनी जानकारी से ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, लेकिन जो आपने लेसन में पढ़ा है उसके आधार पे, लेखिका के विचार के आधार पे बताना है कि ये कथन सच हैं या गलत, सच हैं तो ट्रू, गलत हैं तो फॉल्स। यहाँ इस अभ्यास में कुछ मुख्य शब्द हैं जैसे कि कन्वेंशनल माने परंपरागत, प्रोसीजर करने का तरीका, प्री नेटल जन्म से पहले होने वाला, विंडिक्टिव बदले की भावना रखने वाला। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमन हैज़ टू फॉलो द कन्वेंशनल प्रोसीजर ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये ट्रू है, सही है। इवन टैबूज एंड प्रोहिबिशंस हेल्प टू मैनेज एंग्जाइटी, ये ट्रू है। वेस्टर्न वुमेन सफर मोस्टली बिकॉज दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन, लेखिका के विचार में ये ट्रू है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर, ट्रू। द फैमिली इज सपोर्ट एंड कन्वेंशनल प्रोसीजर लेसन द मदर इन्फेंट मोर्टैलिटी, ये फॉल्स है, क्योंकि ग्रियर हमें बताती हैं कि ये एक कमी है परंपरागत समाजों में, क्योंकि वहाँ पे माँ और शिशु की मृत्यु दर पाश्चात्य आधुनिक सभ्यताओं के बनस्पत अधिक है। फ्रीडम टू लिव आवर ओन लाइव्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रीनेटल मोर्टैलिटी। इस कथन का अर्थ हुआ कि अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी दर से बंध के जीना, खासकर प्रीनेटल मोर्टैलिटी, जन्म के पहले माया शिशु की मृत्यु हो जाए, यही एक मानक नहीं होना चाहिए शिशु के जन्म की परंपराओं का। ये थोड़ा मुश्किल देने वाला कथन है, बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ग्रियर, जर्मेन ग्रियर के अनुसार ऐसा है, इसलिए इसे हम ट्रू कहेंगे। वेस्टर्न पीपल डू नॉट थिंक दैट ऑल मदर्स इन लॉ आर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव, ये फॉल्स है, क्योंकि ग्रियर के विचार में ऐसा है कि पाश्चात्य देशों में अक्सर ये माना जाता है कि सास बदले की भावना रखती है और अनजस्ट यानी अन्यायी होती है। साइलेंट ऑपोजिशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इज नॉट अ मेजर डिफिकल्टी इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट्स, ये फॉल्स है, क्योंकि ग्रियर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में जो लोग परंपरागत समाजों की प्रथाओं का समर्थन करना चाहते हैं वो चुप रह जाते हैं, इसलिए पाश्चात्य स्त्रीवादी सोच रखने वाली महिलाओं को उनसे सीखने का मौका नहीं मिलता है। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये बात ट्रू है कि माँ और शिशु का रिश्ता कई परंपरागत समाजों में पति और पत्नी के रिश्ते से ज़्यादा अहम स्थान रखता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लेसन का शेष हिस्सा पढ़ेंगे और उस पर आधारित अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।